तो यार आज के वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ में बताऊंगा जून 2020 फेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में। एंड साथ ही साथ हम कवर करेंगे जून 2020 फेस्ट में ओप्पो के कौन कौन से स्मार्टफोन में हमें कलर और शेलोन पॉइंट 1 का फेस्ट बैच ऑफिशियल वर्जन या फिर ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड किया जाएगा कलर्स की तरफ से। फेयर हो सके तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिकॉज मे भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू मे नो, फायदा आपको पता होगा आज के दिन कलर्स की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म है कि ओप्पो एफ 17 डिवाइस में हम कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिनका फोन एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है उनके डिवाइस में कलर ओएस 7.2 पे एक न्यू अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है FIPS2095_001_A.41। एंड इस अपडेट के साथ में हमें जून 2020 फर्स्ट का सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड साथ ही साथ हमारे फोन के परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया है कलर की तरफ से। एंड एज आई नो, जहां तक मुझे पता है कि आपके डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन तभी मिलेगा जिनका फोन एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है कि उनका फोन 8.41 में अपडेटेड होना चाहिए। मतलब आपका फोन एंड्रॉइड 10 पे है तो आपका फोन 8.41 में अपडेटेड होना चाहिए, तभी आपके डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलेगा, मे बी जहां तक मुझे पता है। एंड जिनका फोन कलर ओएस 11.1 के फर्स्ट बैच बीटा बिट में अपडेटेड है उनका फोन मे बी FIPS2095_001_P.09 वर्जन की फाथ में रन करे। एंड ये अपडेट एक बीटा बिट है, वो आज तो ऑफिशियली कंफर्म है कि आपके डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का हम फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड करेंगे। तो भाई जिनका फोन बीटा बिट में अपडेटेड है उनके डिवाइस में एक नॉर्मल फा सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा एंड उसी के साथ ही साथ आपके डिवाइस को ट्रायल वर्जन से ऑफिशियल वर्जन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कलर की तरफ से। जिस अपडेट का साइज कुछ अप्रॉक्सिमेटली 500 MB के साथ में हो सकता है। एंड जिनका फोन एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है उनके डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन अगर मिलेगा तो उनके डिवाइस में इस अपडेट का 5G अप्रॉक्सिमेटली 3.5 GB के आसपास में होगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिनका फोन एंड्रॉइड 10 पे है एंड वो अपनी डिवाइस में कलर ओएस 11.1 के फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन को ग्रैब करना चाहते हैं तो आपके डिवाइस में ये बिट सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू डायरेक्ट OTA अपडेट के जैसा न्यू अपडेट देखने को मिल सकता है जो कि कलर ओएस 11.1 का ऑफिशियल वर्जन होगा, या फिर आपको ट्रायल वर्जन में जाकर के ट्राई ऑफिशियल वर्जन का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। वहां पे आपको एक फॉर्म भी फिलअप करना होगा एंड आप ऑफिशियल वर्जन का फॉर्म फिलअप करके अपने डिवाइस में कलर ओएस 11.1 के फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन को ग्रैब कर सकते हो। एंड इसके रिलेटेड आपको कोई सा भी टेम्पल लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको ट्रायल वर्जन में मिला बट ये अपडेट एक ऑफिशियल वर्जन है तो आपके डिवाइस में कुछ बग एंड इश्यू देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आपके डिवाइस में डायरेक्ट ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलेगा वो भी फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन, तो थोड़े बहुत बग एंड इश्यू देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे फिक्स होंगे मैं आपको आगे बताता हूं, बट यार थोड़ा सा और भी स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओप्पो A53 डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है FIPS2127_001_P.12, मतलब P.12। एंड ये अपडेट हमें ऑफिशियल वर्जन में देखने को मिलता है जिनका फोन फर्स्ट बैच बीटा अपडेट में अपडेटेड था कलर ओएस 11.1 के उनके डिवाइस में P.12 का अपडेट सबसे पहले देखने को मिला। एंड जिनका फोन एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा था उनके डिवाइस में फिलहाल अभी कल तक ये अपडेट प्रोवाइड हुआ एंड आज भी अपने डिवाइस में चेक कर सकते हो, मे भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। ट्रायल वर्जन में जाने के बाद आपको वहां पे ट्राई ऑफिशियल वर्जन का सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पे आपको एक फॉर्म भी फिलअप करना पड़ सकता है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड वहां पे फॉर्म को फिलअप करने के बाद विद इन 2 or 3 days के पहले पहले आपके डिवाइस में कलर 11.1 का फर्स्ट बैच ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ओप्पो A53 डिवाइस में कलर 7.2 का न्यू अपडेट A.81 प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है FIPS2127_001_A.81। एंड इस अपडेट का साइज है कुछ 362 MB के साथ में। एंड इस अपडेट के साथ में हमें जून 2020 फर्स्ट का सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड साथ ही साथ हमारे फोन के परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया है कलर्स की तरफ से। एंड फिर हमारा अगला फोन है ओप्पो F11 Pro का। फेयर आपको पता होगा ओप्पो F11 Pro डिवाइस में कलर 11.1 का ऑफिशियल वर्जन काफी दिन से ऑनगोइंग पे रन कर रहे, बट काफी सारे यूजर के डिवाइस में अभी तक कलर 11.1 का ऑफिशियल वर्जन देखने को नहीं मिला। एंड एक बात और, आपने फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर के अपने फोन के अपडेट को एक बार फिर से चेक कर लो, मे बी आपके डिवाइस में कलर 11.1 का ऑफिशियल वर्जन मिला रहेगा क्योंकि रिसेंटली में काफी सारे यूजर के डिवाइस में F11 या फिर F11 Pro डिवाइस में कलर 11.1 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिला। एंड साथ ही साथ ओप्पो F11 एंड F11 Pro डिवाइस में कलर 11.1 का न्यू अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है FIPS1969_011_F.15 एंड जिनका फोन
फोन कलर शेल 1.1 के ऑफिशियल वर्जन में अपडेटेड था। पुराने वाले वर्जन में फिलहाल उनके डिवाइस में ये अपडेट प्रोवाइड हो रहे एंड इस अपडेट की फातमे में जून 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है एंड कलर शेल 1.1 में हमें कुछ और भी बग एंड इशू देखने को मिल रहे थे। फोन भी बग एंड लैगिंग को फिक्स किया गया है कलर्स की तरफ से। एंड साथ ही साथ हमारा अगला फोन है ओप्पो A5A9 2020 का। यार आपको पता होगा पिछले मंथ में हमें ओप्पो A5A9 2020 डिवाइस में कलर शेल 1.1 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल गया F.03 एंड F.04 वर्जन के साथ में। अब मैं आपको बता दूं आपके डिवाइस में कलर शेल 1.1 का फिर से न्यू अपडेट इसी मंथ के लास्ट वीक या फिर जुलाई 2021 के फर्स्ट वीक के पहले पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा कलर्स की तरफ से एंड उसमें भी आपको ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलेगा। अब जिनके फोन में अभी तक एंड्रॉइड 11 कलर शेल 1.1 का अपडेट देखने को नहीं मिला तो भी आपके डिवाइस के लिए फिलहाल अपडेट ऑनगोइंग पे रन करें एंड में भी आपके डिवाइस में जल्द से जल्द कलर शेल 1.1 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड जिनका फोन अभी भी एंड्रॉइड 10 पे है एंड उनके फोन में 3GB रैम है या फिर 4GB रैम एंड उनके डिवाइस में एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं मिला, फोन के डिवाइस में अभी सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट नहीं मिलेगा जून 2021 में, क्योंकि आपके डिवाइस में मई 2021 में न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड हुआ था एंड फिलहाल आपके डिवाइस में बाई मंथली अपडेट प्रोवाइड हो रहे, मतलब एक मंथ में अपडेट मिला तो उसके अगले वाले मंथ में कोई सा भी अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका फोन अपने लॉन्च डेट से एक साल पुराना हो चुका है एंड कलर उसकी तरफ ऑफिशियली कन्फर्म है। ओप्पो या फिर रियलमी के जो भी स्मार्टफोन अपने लॉन्च डेट से एक साल पुराने हो जाते हैं उन सभी स्मार्टफोन में हम बाई मंथली अपडेट को प्रोवाइड करेंगे कलर्स की तरफ से। अब भैया जहां तक रही बात आपके डिवाइस में न्यू वर्जन कब तक देखने को मिलेगा, तो आपके डिवाइस में सिक्योरिटी पैच अपडेट जिनका फोन कलर 7.1 पे है उनके डिवाइस में जुलाई 2021 में प्रोवाइड किया जाएगा वो भी मेड प्लस पे एंड आपके डिवाइस के लिए फिलहाल कलर 7.1 का ऑफिशियल वर्जन ऑनगोइंग पे रन ही कर रहे। एनीवे ये सभी इन्फॉर्मेशन रही फॉर ओप्पो A5A9 2020, ओप्पो F17, ओप्पो A53, ओप्पो F11 एंड F11 Pro। एनीवे दैट्स इट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की विद सॉल्यूशन एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।